बर्ड्स जिधर रहते हैं और जिधर अंडे देते हैं उस जगह को बोलते हैं हम नेस्ट। पर क्या आपको पता है कि जहाँ इंसेक्ट्स रहते हैं और जिधर उनके अंडे ले करते हैं यानी अंडे देते हैं या स्पाइडर कोई भी इंसेक्ट, तो उस जगह को क्या बोलते हैं। और ऐसे ही 6 फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्ट्रेट इन टू द वीडियो। फैक्ट नंबर 6, कोई भी अगर बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सारे लोग आते हैं उसको देखने के लिए और मस्तम गाल वाल खींचते हैं बुलाते हैं। पर आपने देखा होगा कि वो बेबी कभी भी आसपास की चीजें यानी बहुत आसपास की चीजें नहीं देखता और नजरअंदाज कर देता है और दूर दूर की चीजें देखना ज्यादा प्रिफेयर कर देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो बच्चों की आय होती है उसमें जो आइलैंड होते हैं वो इतना एबल नहीं है कि इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो सके जो आसपास की चीजों को देख सके, और जिसके वजह से वो आसपास की चीजों को फोकस नहीं कर पाता और दूर की चीजों को देखने के लिए उसका आइलैंड एडजस्ट कर जाता है, इसलिए वो दूर की चीजें ज्यादा प्रिफर करता है। और जब वो 3 से 6 महीने का हो जाता है तब उसके आइलैंड फोकस करना जान लेती है और वो आसपास की चीजें देख लेता है। फैक्ट नंबर 5, आपने बहुत सारे मूवीज में शार्क अटैक्स और रियल में बहुत सारे न्यूज शार्क्स के बारे में सुने होंगे कि आज ही शार्क ने इतने लोगों की जान ली और ये बहुत डेंजरस होती है। पर ऐसा कुछ नहीं होता, शार्क ह्यूमन के कंपेयर से बहुत कम डेंजर होती है। आज मैं ऐसे आपको एवरेज बताने वाला हूँ जो चकरा देंगे। शार्क हर साल 1 पर्सन को मारती है ऑन एवरेज, और लोग हमारे पृथ्वीवासी शार्क को हर घंटे 114 बार मारते हैं। इतने शार्क हर घंटे मारते हैं ऑन एवरेज। मतलब देखो आप कौन ज्यादा खतरनाक है, शार्क या फिर ह्यूमन। फैक्ट नंबर 4, लेडीज वुमन और गर्ल चाइल्ड को रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत सारे एनजीओज और एजेंसीज काम कर रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भी अभियान बहुत जोरों शोरों से चल रहे हैं आज इस देश में। पर राजस्थान के ये छोटे से विलेज से कोई ज्यादा गर्ल चाइल्ड को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, क्योंकि इस विलेज में अगर कोई भी गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तो उसी के बॉर्न के टाइम पे वो विलेज में रहने वाले लोग उन विलेज के आसपास 111 ट्रीज प्लांट करते हैं हर एक गर्ल चाइल्ड के बॉर्न होने पर। और आज तक ऐसे करते करते उन गांव वासियों ने आज तक 250,000 ट्रीज प्लांट कर दिए हैं। फैक्ट नंबर 3, नारियल पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत डॉक्टर पीने की सलाह भी देते हैं डिहाइड्रेशन या फिर वो कोई भी दूसरी बीमारी हो तब। पर आज भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज के एक लेवल नीचे है, जैसे एग्जांपल ले ले हम अफ्रीका जो बहुत पीछे है, तो उधर आज भी ये माना जाता है कि कोकोनट वाटर ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा से आइडेंटिकल यानी सिमिलर है और आज भी उधर बहुत सारे लोगों की जान जो एकदम मरने वाले हो उनको कोकोनट वाटर पिला के ही बचाई जाती है। और उधर माना जाता है कि कोकोनट वाटर ही ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा है, ऐसा माना जाता है, आइडेंटिकल सिमिलर है। फैक्ट नंबर 2, आपने कभी सोचा है कि अगर हम ह्यूमंस के वायरस से ही हम भीड़ पाने में नाकाम है यानी उनका इलाज ढूंढने में नाकाम है, जैसे कोरोना वायरस की फैमिली ले लो, तो अगर हम इंसेक्ट्स को जो अफेक्ट करते हैं उस वायरस से हम अफेक्ट हो गए तो क्या होगा, हम ना ह्यूमन रेस तो पूरी खत्म हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता, जो इंसेक्ट्स को अफेक्ट करने वाले वायरस है और जो ह्यूमंस को अफेक्ट करने वाले वायरस है उन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से उनका फंक्शंस भी बिल्कुल डिफरेंट है, और तभी हम इंसेक्ट के वायरस से हम अफेक्ट नहीं हो सकते और हम हार्मलेस बच जाते हैं। और मूव करते हैं हमारे फाइनल फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 1, जिधर चिड़िया रहती है या फिर उधर जिधर वो अंडे देती है उस जगह को बोलते हैं हम नेस्ट। जिधर वो रहती है थोड़े समय के लिए बाद में उड़ जाती है उसको हम बोलते हैं नेस्ट। पर क्या आपने सोचा कि जहाँ इंसेक्ट जैसे स्पाइडर्स उनके अंडे देते हैं उनके एग्स ले करते हैं और उधर रहते थोड़े टाइम के लिए इंसेक्ट बाकी कोई भी, उस जगह को क्या बोलते हैं? तो उस जगह के लिए हमारे इंग्लिश ने नाम सोच के रखा है, उसका नाम है नीडस। जिधर इंसेक्ट्स अंडे देते हैं उस जगह का नाम है नीडस। तो ये फैक्ट्स जान के, ये 6 फैक्ट्स जान के आपको मजा आ गया होगा, मजा जरूर आया होगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम अगली वीडियो आपके मजेदार बनेंगे आपके लिए। तो
मजा है तो लाइक कर देना, और नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट कर देना अगर आपको कोई सी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो। ओके बाय।